नगर पालिका के दावों व वादों की जमीनी हकीकत से हम कराएंगे आपको रूबरू, क्योंकि अब होगी विकास की बात। आर एक्सप्रेस के खास शो अब होगी विकास की बात में आर एक्सप्रेस की टीम ने नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 का लिया जायजा। नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव अपने सहयोगी केशवानंद शुक्ला के साथ आ चुका हूं आर एक्सप्रेस के खास शो अब होगी विकास की बात। इस समय हम लोग मौजूद हैं, हमारे कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और हम जा पहुंचे हैं वार्ड नंबर 1 सभासद महादेव प्रसाद त्रिवेदी और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ बताऊंगा कि हमारे सहयोगी केशवानंद शुक्ला अभी बात करेंगे, इस मेरे बाद बात करेंगे सभासद से और उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपनी गिनाई हैं, जो जो उन्होंने काम किया उस पर चलेंगे, फिर उसके बाद मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। पर सबसे पहले आपको रूबरू कराना चाहूँगा, इधर ही वार्ड नंबर 1 के कुछ लोग हैं रहने वाले, आइए उनसे ही बात करते हैं कि आखिर, क्योंकि असलियत ये होती है कि जो लोग रहते हैं वो खुद जानते हैं कि काम हुआ है कि नहीं। एक मिनट, आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। हमारा नाम पवन शुक्ला है। कहाँ पे रहते हैं, कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 1 बालापुर में रहते हैं। क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में? कुछ काम तो हो रहा है। तो संतुष्ट हैं नगर पालिका से, सभासद से अपने संतुष्ट हैं कि नहीं, क्योंकि आपका जनप्रतिनिधित्व वही कर रहे हैं, आपने उनको वोट दिया था जिस काम के लिए, क्या वो वोट पे वोट काम आ रहा है आपका? हाँ, रमतन काम सही रहा। देखा जाए लोग संतुष्ट है। आइए, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आंकड़ों की तरफ चलूँगा। क्या नाम है आपका? सचिन मिश्रा, वार्ड नंबर 1 बालापुर। तब महादेव त्रिवेदी जी, और क्या काम हुए हैं कि नहीं हुए आपके क्षेत्र में? सभासद जी ने तो बहुत काम किया। देखा जाए तो सब वार्ड में काम तो हुए हैं, और जैसे कि नाली नल खरंजा ये सब तो बराबर निरंतर चलते रहते हैं, और सभासद जी के द्वारा कार्य ठीक चल रहा है। वोट आपका सही जगह गया? वोट क्या, मैं तो खुद प्रत्याशी था, मैं तो वार्ड नंबर 1 के खुद प्रत्याशी था, और उसके बाद और प्लस ठीक है वो, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात तो काम उनका भी ठीक है, नगर पालिका से संतुष्ट है, ऐसा कुछ नहीं। आइए, हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। चलिए ठीक है, जैसा कि लोग खुद बता रहे हैं कि उनका काम हुआ है, हम आंकड़ों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी केशवानंद शुक्ला के पास, जो बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 1 के सभासद महादेव त्रिवेदी से। आज हम आर एक्सप्रेस की टीम रायबरेली के वार्ड नंबर 1 में पहुंची है, जहां पे तकरीबन नगर पालिका ने क्या काम किया है अपने 2.5 सालों में, इस पूरे 2.5 सालों का लेखा जोखा जानेंगे। और तकरीबन जो हमें जानकारी मिली हुई है, इस वार्ड में 1,14,45,721 रुपए यहां पे लगाए गए हैं, ये रुपए किस प्रकार यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, इन पूरे विषयों को लेकर के आज हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज अगर बात करें, देखें नगर पालिका के द्वारा ये जो सड़कें बनाई गई हैं इसका पूरा यहाँ पे लेखा जोखा है, आप देख सकते हैं 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत इसका पूरा जो है जो चतुर्भुज मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होते हुए इस पूरे रोड को बनवाया गया है। और इस पूरे रोड की अगर बात की जाए तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो सभासद हैं वार्ड नंबर 1 के महादेव गुप्त महादेव, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार ये 1,14,45,721 रुपए किस प्रकार लगाए और आम जनता तक वो पहुंचे हैं या नहीं, जमीनी हकीकत क्या है, इसे हम आपको दिखाएंगे। सर बस जी, आपने एक वार्ड के लिए इतने रुपए आए हैं, किस प्रकार हुए और आम जनता कैसे खुश है? आम जनता के लिए ये रोड जो है ट्रांसफार्मर के लगे से वहाँ जो है एक बबुरा ताल के पास मंदिर है, वहाँ तक ये रोड 34 लाख कुछ रुपए की बनी जो आपके रिकार्ड में है। और उसके बाद जो है अन्य रोडें हैं, चतुर्भुज में बनी हैं, बालापुर में बनी हैं, कुछ बरखापुर में बनी, इस तरीके काम हुआ है। बहुत सा काम बाकी भी अभी जो होना भी है। इन 2.5 सालों में जिस प्रकार का आपने बताया कार्य किया है और फिर लॉकडाउन भी लग गया था, इसको लेकर के कैसे आप लोगों ने? अभी भी तो काम पूरा ठप्पा ही पड़ा हुआ है, अब जैसे ही काम शुरुआत होगा वैसे ही काम, जो काम मतलब अधूरे पड़े हुए उनको प्रयास किया जाए करवाने। आपने काम किया हुआ कुछ एक आध गिना सकते हैं? एक आध बता दीजिए उदाहरण के तौर पे, क्या क्या काम आपके हैं यहाँ पे, पानी की सुविधाएं किस प्रकार आपने दी है? अब पानी की सुविधाएं तो जो हैंडपाइप लगे हैं, TSP 2 लगी हैं यहाँ पे है, और हैंडपाइप 5-6 लगे हैं ये पूरे बालापुर चतुर्भुज मिला के, तो पानी की ही व्यवस्था है। और जो जल, ये जो अपनी जल निगम, ये जो शिवाजी नगर अपने सभासद से और नगर पालिका से संतुष्ट हैं भाई साहब, रोडें बनवाई गई हैं और पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, किस प्रकार आप बताइए? नहीं नहीं, सब सुविधा ठीक है, रोडें भी ठीक है, पानी भी सुविधा ठीक है, पानी वानी सरकारी जो लगे हैं पाइप, पानी भी आता है।
कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो नगर पालिका से भी संतुष्ट देखने को मिल रहे हैं, और जो सभासद हैं उनके द्वारा इस पूरे वार्ड का जो है सौंदर्यकरण भी कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ के जो चाहे वो खम्भे हों या सड़कें हों, लाइट, एक एक व्यवस्थाएँ जो होती हैं आम जनता के यूज़। केशवानंद शुक्ला जी ने बात की यहाँ के सभासद से, उन्होंने कई काम ऐसे गिना दिए। वहीं केशवानंद शुक्ला ने आप लोगों को बताया होगा कि इस पूरे वार्ड में 1,14,445,741 रुपए लगे हैं लगभग, और आखिर वो कहां कहां लगे हैं इस बात को भी मैं जाहिर करना चाहूँगा, क्योंकि एक रोड है जिसका आंकड़ा जो हम लोगों को मिला है, जो आंकड़े हमारे सूत्र बताते हैं, एक रोड में लगा है 6,60,205 रुपए। वहीं अगर दूसरी रोड की बात की जाएगी तो 6,14,175, वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 3 लाख, फिर 9 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, फिर 17, इस प्रकार से कई ऐसे आंकड़े टोटल मिलाकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो 1,01,14,00,000 हैं। और अगर रोडों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 13 ऐसी रोडें हैं जिनको यहाँ पे इंटरलॉकिंग भी है उसमें, और कुछ डामरीकरण भी के काम किए गए। वहीं अगर सभासद ने भी इस बात को गिनाया कि TPS भी यहाँ पे लगे हैं, यानी दो ऐसे जो प्याऊ ये सब जो होते हैं जो पानी की सुविधाएँ देते हैं, क्योंकि आम जनमानस को सिर्फ इन्हीं चीज़ की जो होते हैं रहन सहन और खान पान, उस चीज़ों को लेकर अभी तक तो नगर पालिका वार्ड नंबर, क्या नाम है आपका भैया जी? हमारा नाम है रामचरण। ये कौन सा वार्ड है, क्या यहाँ पे आपके वार्डों में काम किया गया, खरिंजा उड़िंजे बने हैं कि नहीं? क्या नहीं भैया जी, खरिंजा नहीं बने हैं। स्कूल ये प्राइमरी स्कूल से लेकर के हमारे पूरी बस्ती कम से कम 25 घर हैं, लेकिन यहाँ कोई खरिंजा नहीं है। आप देख लीजिए पूरी वहाँ से वहाँ तक का, इधर भी दाएँ भी बाएँ भी कोई खरिंजा नहीं। ऐसे हम लोग पानी बोदा से आते जाते रहते हैं, और सभासद से बात भी किए हैं, बोले हाँ बन जाएगा, लेकिन बना नहीं कुछ। और फिर देख लीजिए, कोनो आपसे छुपा तो है नहीं सर जी। नगरपालिका के अध्यक्ष से मुलाकात हुई या सभा सचिव हुई, क्या कहते हैं वो लोग? नगर पालिका अध्यक्ष से नहीं सर बात हुई, लेकिन सभासद से बात हुई, सभासद को दिखाए, सभासद जी आए भी, देख करके चले गए, कहे बोले कि हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं सर। अच्छा, अभी आप लोग ऐसे ही आते जाते हैं, कई वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीत गए सर जी हम लोग को।